रतलाम में 7 सितंबर को गणेश मूर्ति स्थापना जुलूस के दौरान पत्थरबाजी की घटना हुई, जिसमें दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। घटना मोचीपुरा इलाके में हुई, जहां अल्पसंख्यक समुदाय की बहुलता है। पत्थर फेंके जाने के बाद जुलूस में शामिल युवक घायल हो गया, जिसके बाद आक्रोशित भीड़ दोबत्ती थाने पहुंची और नारेबाजी शुरू कर दी। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने पत्थर फेंकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। रतलाम के मोचीपुरा इलाके में गणेश मूर्ति स्थापना जुलूस के दौरान 7 सितंबर की रात पत्थरबाजी की घटना से तनाव फैल गया। जुलूस में शामिल एक युवक पर अचानक पत्थर फेंका गया, जिसके बाद वह घायल हो गया। इस घटना के बाद हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं और स्थानीय निवासियों ने थाने का घेराव कर पत्थर फेंकने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए दोबत्ती चौराहे और छतरीपुर पर आंसू गैस के गोले छोड़े। पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और बताया कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने कहा कि स्थिति अब नियंत्रण में है और सुरक्षा की दृष्टि से रतलाम के संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पथराव की इस घटना के बाद मोचीपुरा क्षेत्र में आक्रोशित भीड़ ने कई मोटरसाइकिलों में तोड़फोड़ की। कई वाहन सड़क पर गिरे हुए पाए गए। स्थानीय बीजेपी नेता निर्मल कटारिया और हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों ने इस घटना को पूरी तरह निंदनीय बताते हुए पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की। हिंदू जागरण मंच के राजेश कटारिया ने बताया कि पथराव के कारण कुछ लोगों को चोटें आई हैं। इसी के चलते प्रदर्शनकारी थाने पहुंचे और पुलिस से पत्थर फेंकने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी झड़प हुई, लेकिन पुलिस ने स्थिति को समय रहते संभाल लिया। आखिरकार पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। हालांकि इलाके में अभी भी तनाव का माहौल बना हुआ है और प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए विशेष कदम उठाए। शिकायत जो है वो स्टेशन स्टार्ट करें। एक शिकायत स्टेशन रोड थाने पे आई थी, जिसके अंदर जो है काजल किन्नर और बाकी वो पंडाल वाला जो एरिया था, वहां पर ये बताया गया था कि वहां पे कोई किसी ने पत्थर फेंका है, जिसके अंदर एक व्यक्ति को पत्थर लगा है और उसके संबंध में इनके द्वारा शिकायत की गई थी, जिसको जो है मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है अज्ञात में मारपीट और गाली गलौज का। बाकी उसके बाद में जो भीड़ इकट्ठा हुई थी वो लोग उन लोगों के द्वारा जो है वो मोचीपुरा की तरफ जाते हुए कुछ जगहों पर जो है पत्थर वत्थर फेंके। पुलिस तत्काल वहां पर मौके पर पहुंचकर पूरे स्थिति को नियंत्रण कर लिया गया है। सभी लोगों को तितर बितर करके बाकी सब जगह पर फिक्स पिकेट पॉइंट्स लगाए गए हैं और ये इंश्योर किया जा रहा है कि प्रॉपर जो है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। अभी फिलहाल स्थिति जो है वो सभी जगह पर हमारे पिकेट पॉइंट लगे हुए हैं, कहीं पे कोई ऐसी स्थिति नहीं है। लगातार पुलिस पेट्रोलिंग चल रही है, हमारे अधिकारी भी जो है वो जगह जगह पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। तीन बार रतलाम में कर्फ्यू लगाए इन्हीं महीनों में, क्या शहर की जनता को त्योहार के दौरान अपील है? मेरा सभी लोगों से यही बोलना रहेगा कि कहीं पे भी कोई घटनाक्रम होता है तो उसमें पुलिस तत्काल कार्रवाई भी करती है और इम्पेशेंट होके जो है वो भीड़ तंत्र का उपयोग करके कोई भी चीजों को ना लेके आए, त्योहार जो है वो शांतिपूर्ण मनाए और लगातार हम लोग काम भी कर रहे हैं। बाहर से बल जो है हमारे पास में अभी दो कंपनी जो है, एक जावरा की और एक दार की, तो उसको असाइन कर दिया गया है।